अति पिछड़ा को भी बांटने का काम किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया। नियत को कहा गया तो गोपनीय रखा जाएगा, पहले तो गोपनीय क्यों रखा जाएगा ये बताना चाहिए। जब उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया तो उसकी गोपनीयता भंग। आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ सलूका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने बांकीपुर से विधायक भी है। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि डाटा लीक कर देने का, हाईकोर्ट भी रोक लगाया था कि डाटा लीक नहीं करना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा डाटा है, ये डाटा क्या सरकार के गोपनीयता का अधिकार केवल सब बाकी लोगों पे है? जदयू कार्यालय पे लागू नहीं होता है क्या? नीरज कुमार पे लागू नहीं होता है क्या? यानी सरकार जो पूरी गोपनीयता बना के रखी थी वो जदयू कार्यालय पे जाके टूट गई और जदयू कार्यालय ने उसको रिलीज किया। ये दिखता है कि सरकार पूरी तरह से ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का गन्ना है और इसको पॉलिटिकल तरीके से केवल अपने वोटर्स को बनाने वाला विषय बनाया गया है। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया है। और जहाँ तक अति पिछड़ा की बात है, अति पिछड़ा को निश्चित रूप से सम्मान मिले, अधिकार मिले। हम सब कोई चाहते हैं कि अति पिछड़ा को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अति पिछड़ा को भी बांटने का काम किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया। आप मानते हैं ना कि सरकार ने फर्जीवाड़ा किया है जाति आधारित गन्ना को लेकर? नहीं नहीं, जो गन्ना का तरीका है, जो उसके नियत की बात है, तो नियत को कहा गया तो गोपनीय रखा जाएगा, पहले तो गोपनीय क्यों रखा जाएगा ये बताना चाहिए। जब किसी को आपने जोड़ है तो पूरी तरह से उसको दिखाइए कि हाँ भाई इतने हैं और इसके आधार पर निर्णय हो रहा है। हर आदमी को अधिकार है जानने का। तो जब उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया तो उसकी गोपनीयता भंग की गई। यानी जब गोपनीयता जदयू कार्यालय के लिए अधिकार है भंग करने का और सरकार के अधिकारी कह रहे कि नहीं होना चाहिए था, तो दो अर्थ क्यों चल रहा है सरकार का? सर, एक आखिरी सवाल, आप सिन्हा समाज से आते हैं, श्रीवास्तव समाज से, आपका जो जाति है वो कम बताया गया, 0.1। मैं तो सरकार को चुनौती देता हूं कि आप जितने भी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कीजिए, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी से कोई डाटा का अंतर नहीं है। बिहार की जनता आपको जवाब देगी, लेकिन जो आंकड़े आप दिखाए हैं, 12-14 ऐसे शहर हैं और कहीं ना कहीं अगर इसको सैंपल साइज ले लीजिए तो मैं केवल पटना में आपको चुनौती देता हूँ सरकार को कि आए और यहाँ की जनगणना कर देखे कि यहाँ के जो 7 लाख के आंकड़े दिखाए गए हैं वो आंकड़े पूरी तरह से फर्जीवाड़ा दिख रहे हैं। आपसे पूछा गया था? नहीं, मैं तो यही पूछा कि आने के बाद हमसे तो कोई नहीं मिला, लेकिन जो आए और आके पेंसिल से सिग्नेचर कराए, इसका क्या मनसा था? ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में, पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।